हेलो स्टूडेंट्स एंड स्पेशली एनडीए वाली बेटी, तो ये सीरीज हमने स्पेसिफिकली शुरू की है आपके लिए, क्योंकि आपको करना है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत पॉइंट टू पॉइंट जाकर के आपको अपना सिलेबस कवर करना है। हालांकि कुछ बच्चियाँ अभी पहले से ही प्रिपरेशन कर रही होंगी, लेकिन वो बच्चियाँ जिनको कि अभी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उसके लिए हमारी एकेडमी दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून ने एक इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव है कि हम फोकस करें कि हम जो एक महीने का अप्रॉक्सीमेटली आपको जो टाइम मिला है, उस एक महीने के टाइम में आपका पूरा सिलेबस करवा दें और कुछ इस तरह से आपका सिलेबस करवाएं कि उसमें जो बेसिक कंटेंट जो हो वो बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो, बहुत कंसाइज हो, और उस कंसाइज में से ही आप अपने क्वेश्चंस निकालने के लिए एबल हो जाए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उन बच्चियों का जो पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम दे रही हैं, और साथ में उन बच्चों का भी, उन बॉयज़ का भी जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 नवंबर वाला, और इसके लिए वो क्विक रिवीजन कर सकते हैं हमारी इस सीरीज़ में, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने रखा है एमसीक्यूज बेस्ड पैटर्न, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एमसीक्यूज के माध्यम से बताने वाले हैं, जिससे क्योंकि जब भी बच्चा क्लास में आता है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका पहला ही डाउट ये होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब सेशंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ में इसको शेयर कीजिए। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो टॉपिक है वो लेकर आई हूँ मैं, ममता सिंह, जो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, जिसका नाम है सेल। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चों, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी सेल, अब आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, और इसके बगैर हमारी बॉडी नहीं बन सकती है, तो उस सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो देखिए, तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ। किसी भी सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसको यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, साइटोप्लाज्म। बच्चों, ये जो साइटोप्लाज्म है वो सभी कोशिकाओं में मिलता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल। तो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई गई है ये ब्लू वाली, ये जो है वो टिपिकल प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है आपको, और ये एक प्लांट सेल है। तो इसको पहचान जाएंगे आप, ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर की प्लांट सेल है। अब आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लियस, और थर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज कॉमन फॉर एवरी सेल जिसमें कि आपको साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी सेल में कहीं भी मेम्ब्रेन की बात आएगी तो उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होगा, या सिंपल शब्दों में इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सभी जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट होगी, ऑल लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होगी। इसके अलावा यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। अब इसे बहुत गौर से करेंगे आप, लिपिड जो है, लिपिड का जो प्रकार होता है बच्चों, वो लिपिड का प्रकार होता है फॉस्फोलिपिड। लिपिड का जो प्रकार है वो है फॉस्फोलिपिड, और ये जो लिपिड है वो बाय लेयर में प्रेजेंट है। सरल शब्दों में कहूँ तो दोहरी मेम्ब्रेन होती है, दोहरी एक लेयर है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ऐसे लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के भी दो टाइप होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं बाहर की तरफ लगे हुए रहते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं,
कुछ प्रोटीन जो अंदर की तरफ लगे होते हैं उन्हें हम इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। और यदि फॉस्फोलिपिड के कुछ और हम डीपली इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बना होता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर का। तो देखिए यहीं पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ, फटाफट इसको आप लर्न कर लेंगे, बार बार देखेंगे और यहीं से रिवाइज कर लेंगे कि ये मैंने बाई लेयर बना दी किसकी, फॉस्फोलिपिड की। अब फॉस्फोलिपिड में ये नोब लाइक स्ट्रक्चर को मैंने मार्क किया हेड रीजन और ये वाला पार्ट हो गया टेल रीजन। अब इसको हेड एंड टेल ऐसे ही नहीं बोला है, हेड इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है वो वाटर लविंग पार्ट होता है और टेल वाला जो पार्ट होता है वो वाटर हेटिंग पार्ट होता है, या हम उसको टेक्निकली यदि मैं बोलूं, ये तो मैंने नॉर्मली आपको बताने के लिए बता दिया, टेक्निकली यदि मैं बोलूं तो ये होगा हाइड्रो, दिस इज यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, ये होगा हाइड्रो फिलिकेंट और ये वाला पार्ट होगा बच्चों हाइड्रोफोबिक एंड। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोफोबिक एंड इस बायलेयर में, ये कंप्लीट जो बायलेयर है इस बायलेयर में अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक एंड हेड वाले पार्ट हैं वो बाहर की तरफ है। और इसमें कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये प्रोटीन दो तरह के हैं, एक प्रोटीन जो पूरी बायलेयर में धंसे हुए हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इस बायलेयर में बाहर ही होते हैं। तो कुछ लिपिड और बना देती हूँ यहाँ पर और आपको सेग्रीगेट करने के लिए, ये लिपिड बायलेयर बना दी मैंने, और कुछ प्रोटीन सिर्फ बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बनी होती है, लिपिड बायलेयर में प्रेजेंट होता है, लिपिड का जो प्रकार होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ होते हैं। इस बायलेयर में प्रोटीन अंदर अंदर धंसे हुए रहते हैं, इसे जो पूरी बायलेयर में धंसे होते हैं उन्हें हम इंटरनल प्रोटीन कहते हैं, उन्हें हम ये मार्क कर देती हूँ मैं, दे आर इंटरनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। तो भैया इतना यदि आप समझ गए बच्चों तो इसका मतलब है कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मॉडल है जो दो साइंटिस्ट ने बनाया था और उन दोनों साइंटिस्ट को इसके लिए मिल गया था नोबेल प्राइज। तो उनके नाम भी हम फटाफट लर्न कर लेते हैं, सिंगर और निकोलसन। तो निकोलसन एंड सिंगर ने ये एक मॉडल प्रपोज किया था जिसे हम बोलते हैं फ्लूट मोज़ेक मॉडल। अब आप मुझे बताएंगे कि मोज़ेक क्या होता है, ये जो मोज़ेक वर्ड है ना ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और फिर बाद में मैं कमेंट करके आपको बताऊंगी कि इस मॉडल को फ्लूट मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। तो भाई कुछ आप भी करना है, आपको भी करना है, सब कुछ मैम नहीं बताएगी, आपको भी कुछ पढ़ना है। तो बताएंगे कि मोज़ेक का सिंपल इंग्लिश में भी यदि मतलब आपको पता होगा मोज़ेक का तो आप इस पूरे के पूरे मॉडल को समझ गए हैं। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, बायलेयर में प्रोटीन जगह जगह पर एम्बेडेड होते हैं, जो पूरे बायलेयर में एम्बेडेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन और जो बाहर की तरफ लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। तो भैया ये हो गया कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया है यहाँ पर, इतना ही करना है आपको। तो इससे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। आइए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं देखती हूँ आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन, उसका जो कंपोजिशन होता है वो किससे बना होता है, तो वो होता है लिपिड और प्रोटीन। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कंपटीशन का, इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए। तो फिर से वापस आ रही हूँ मैं फर्स्ट स्लाइड पर। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस की, इसके फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में लाऊंगी और वहाँ पर हम इसके फंक्शंस पर बात करेंगे और आपको कुछ और भी चीज़ें बतानी है।
लेकिन एक ही दिन बहुत सारा बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर करते हुए अपने टेक्स्ट को चलना है। अच्छा, दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस। तो बच्चों, न्यूक्लियस का डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो है ये पूरा के पूरा पार्ट है न्यूक्लियस। ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट है आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को यदि हम गौर से देखते हैं तो इस न्यूक्लियस में भी आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो बेसिकली जैसे गुब्बारे की एक मेम्ब्रेन होती है, वैसी ये मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होती। इसमें जगह जगह पर क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो पूरा ढके हुए है न्यूक्लियस को, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ NP। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है इसकी विशेषता यह है कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रोमोजोम। तो अभी आगे की क्लासेस में कुछ क्रोमोजोम्स के बारे में और डिस्कस कर लेंगे हम, क्रोमोजोम। और इसमें एक ग्रेन्यूलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक ग्रेन्यूल से बनी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को मैं मार्क कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिए मैं कैसे एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो MCQs है, इस MCQ में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल दिए हुए हैं और डिस्कवरर दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि एमिनेंट साइंटिस्ट आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड जो हैं, जितने भी डिस्कवरर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही होंगे। फिजिक्स के आपको नवीन सर बताने वाले हैं। फिजिक्स के जो आपके हैं वो फिजिक्स के आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं यहाँ पर आपको साइमल्टेनियसली जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे बताऊंगा। जैसे न्यूक्लियस की बात की तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा बताइए, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। दो बार ये क्वेश्चन NDA में आ चुका है और ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दें। चलिए बात करते हैं अनदर सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स और उनके डिस्कवरर यहाँ पर दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय बैंडा, गॉल्जी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गॉल्जी, एंड लाइसोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड बाय डी डूबे। और राइट आंसर हमारा बन रहा है ए का आर, बी का क्यू, सी का एस और डी का पी। तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो गया बच्चों? पी। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हमारा बनता है सी। तो कुछ इस तरह से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था जिसमें दो साइंटिस्ट आपको फिजिक्स के दे दिए थे और एक साइंटिस्ट आपको केमिस्ट्री का दिया था। मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ इसलिए बायो का ही एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर रख दिया है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है डिस्कवर। अच्छा, फटाफट कुछ और साइंटिस्ट के नेम दे रही हूँ, जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी, फर्स्ट लिविंग सेल। एक और साइंटिस्ट पर किंजे, इनका नाम बहुत पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। इसके अलावा दो साइंटिस्ट मैथियस श्लीडन एंड थियोडर श्वान, इनके नाम आते हैं सेल थ्योरी के, कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय मैथियस शेल्डन एंड थियोडर श्वान। इसके अलावा भी कई साइंटिस्ट हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी ताकि आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वापस चलती हूँ मैं पहली स्लाइड पर। न्यूक्लियस के बारे में हमने बात की कि न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स होते हैं और क्रोमोजोम्स हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जो भी कैरेक्टर्स हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं वो क्रोमोसोम्स ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स हैं, DNA हैं, ये जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल में उस प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है।
बच्चों प्रोटीन जरूरी है हार्मोन्स के लिए, प्रोटीन जरूरी है एंजाइम्स के लिए, और बिना एंजाइम्स के हमारी रिएक्शंस नहीं हो सकती। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यदि हमने सेल को लिविंग कहा है तो सेल में कुछ लिविंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती है, तो बायोलॉजी में लिविंग बींग्स में क्या होती है, कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। तो बिना प्रोटीन के लिविंग बींग्स की बॉडी बनना या उनमें कोई भी वाइटल एक्टिविटीज होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो प्रोटीन सिंथेसिस सेल का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो बच्चों साइटोप्लाज्म जो है, इसको मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक टर्म लिख रही हूँ। अभी मैंने बताया परकिन जी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किया था, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है ये दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लास्ट। अभी न्यूक्लियस डिस्कस किया, न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग कंटेन है वो है न्यूक्लियोप्लास्ट। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी तो भाई कोई ना कोई पदार्थ होंगे जो वाइटल एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने कहा क्रोमोसोम न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस हवा में तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? दे ऑल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लास्ट। इसी तरह से सेल की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। और दोनों को यदि हम मिला दें, यानी सेल के इंटायर लिविंग कंटेंट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और शुरू से आखिरी तक उनका कंफ्यूजन बना रहता है और उन्हें अंतर समझ में नहीं आता कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? इंटायर लिविंग कंटेंट, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर का हो चाहे वो सेल के अंदर का हो, जितना भी लिविंग कंटेंट है वो पूरा की पूरा लिविंग कंटेंट कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां तक के लिविंग कंटेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट होता है उस लिविंग कंटेंट को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ और मैं फिर से आपको बता रही हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के बीच का जो कंटेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, हालांकि आप इनके नाम भी जानते हैं, जैसे गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल्स हैं। ये सभी जो होते हैं ये होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आप थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या है? दे आर द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल विच परफॉर्म फंक्शंस, जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। आइए बच्चों देखें क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। तीन टाइप में हमने इस सेल ऑर्गेनल को क्या किया है, डिवाइड किया है। थ्री टाइप्स के ये सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, नाम लिख देती हूँ मैं आपको, लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है इससे, राइबोसोम और सेंट्रियोल, और वी कैन से सेंट्रोसोम। दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन, काफी सारे सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, जैसे गॉल्जी बॉडीज,
अनदर सेल ऑर्गेनेल इज लाइजोजोम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइजोजोम अभी हम डिस्कस करेंगे और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा बताइए लाइजोजोम का कॉमन नेम क्या है, ये कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपको ज़रूर पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है और दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा होते हैं वैक्यूल, चलिए इनके हिंदी नाम बता देती हूँ। सेंट्रोजोम को बोलते हैं तारककाय, सेंट्रोजोम को बोलते हैं तारककाय हिंदी वाले बच्चों के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी को गॉल्जी काय, गॉल्जी काय, ठीक है। लाइजोजोम को लयन काय बोलते हैं, लयन काय हिंदी वाले बच्चे, और वैक्यूल को बोलते हैं रिक्तिका, वैक्यूल को क्या कहते हैं रिक्तिका, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं दो, कौन कौन सी, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक कॉमन टर्म है, इसमें एक प्रकार होता है जो आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सूत्र कणिका, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हरित लवक बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिड के लिए एक कॉमन नेम होता है उसको हम बोलते हैं लवक। तो सेल ऑर्गेनल्स की मैंने बात की, सेल ऑर्गेनल्स आर द स्पेसिफिक लिविंग स्ट्रक्चर, दे आर ऑफ थ्री टाइप, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल। सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, और जो डबल मेम्ब्रेनस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्विकली फास्ट। यस, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, एंड योर राइट आंसर विल बी सी। देखिए बच्चों, ये जो स्लाइड आई है इसमें से भी तीन से चार क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो हर स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बताया था, मैं आपको कह रही थी कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है जीस देकर, मतलब टॉपिक पूरा कवर हो जाए आप, और साथ में आप क्वेश्चंस भी देखते जाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वहीं पर आप टॉपिक को भी लर्न कर लें और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लें। इस तरह से आपका लर्निंग जो है वो कैटेगोरिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, और जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है साइमल्टेनियसली आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेवल भी डेवलप हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में जाकर के वो भी आपको बता रहे हैं। चलिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट, आपने कहा था कि सेल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो बिल्कुल सही, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने मैच्योरेशन पर न्यूक्लियस लॉस्ट कर देती हैं क्योंकि वो हाईली स्पेशलाइज सेल होती है। चलिए तो थोड़ा अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि किन बच्चों को ये पता, इस क्वेश्चन का आंसर पता था, पर मुझे तो देना है आंसर आपको। तो ए है ब्रेन सेल, बी है कार्डियक मसल फाइबर, सी है पैरामीशियम और डी है मैच्योर ह्यूमन सेल। तो राइट आंसर बच्चों आपका बनता है मैच्योर ह्यूमन सेल। अच्छा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था या नहीं, यदि पता था तो बताइए, नहीं पता था तो भी बताइए। आइए अब कुछ और कोशिकाएं मैं बताती हूँ जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे सीव ट्यूब। सीव ट्यूब किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है फ्लोएम का। फ्लोएम एक टिश्यू होता है प्लांट्स में जो फूड कंडक्ट करता है, ये सब किस में आ रहे हैं, प्लांट्स में आ रहे हैं, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है ये टिश्यू। इस टिश्यू में एक प्रकार की सेल होती है सीव ट्यूब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी कोशिकाएं जाइलम, वेसल्स और जाइलम
ब्रैकेट्स। ये कोशिकाएं भी ऐसी होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये किसमें प्रेजेंट होती हैं? तो आप तो याद आ गया होगा, आपको जूनियर क्लासेस में याद आया कुछ कुछ, जाइलम एक टिश्यू होता है जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेते हैं फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड और जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में। इसके अलावा एक और टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे द्रोणोत्तक। तो याद आ गया है, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, यहीं से इसको लर्न कर लीजिए। स्क्लेरेनकाइमा में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा ज़्यादातर होती हैं डेड सेल्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, जो टिश्यू वाला पार्ट है वो भी महत्वपूर्ण। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आ गए हैं, एक इन्फॉर्मेशन आ गई है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? ये RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। लाइसोसोम आर कॉल्ड एज गार्बेज डिस्पोजल। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल होते हैं रेस्पिरेशन में, और साइटोस्केलेटन बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या बनेगा? जरा देखिए, न्यूक्लियस ए का हो गया RARS। ठीक है, बी का हो गया लाइसोसोम का, दैट इज क्यू, बी इज क्यू आर, बी इज आर, ए का एस, बी आर, सी का माइटोकॉन्ड्रिया, सी का हो गया एंड दैट इज व्हाट, पी क्यू आर एस। तो सी का हो गया पी, दिस इज सी, ठीक है, और दैट विल बी ए, ए का हो गया आर, तो एक क्वेश्चन और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ए न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है RNA। लाइसोसोम का फंक्शन होता है गार्बेज डिस्पोजल, यानी सेल्यूलर डाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, और साइटोस्केलेटन बना होता है माइक्रोट्यूबुल का। तो ओवरऑल ये सारी बातें हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हम डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस भी करेंगे। कुछ इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस बना करके दिया जा सकता है। और एक और क्वेश्चंस यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल यानी कौन सी चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब आइए फिर से चलते हैं हम अपने जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, एक है सेल वॉल, इसे ध्यान रखेंगे, इसको मैं रख कर देती हूँ क्योंकि हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल कर रहे हैं, तो इसको मैं रख कर देती हूँ। देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, इसको आप याद रखेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया आर टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये दो क्वेश्चन दे करके जा सकता है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी कोशिका ऐसी है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा, सेल वॉल प्लांट के अलावा भी और दूसरी सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे फंगाई वाली सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये बनी होती है काइटिन की। इसे भी आप लर्न कर लेंगे क्योंकि दो बार ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल में भी सेल वॉल होती है, और वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अब ये तो मुझे बहुत पसंद है कि बच्चों को पता चले कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ।
एक क्वेश्चन और आया था कि काइटिन में क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है। हालांकि काइटिन में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। काइटिन में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और यदि आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके जो एक्सोस्केलेटन बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन मतलब कॉकरोच आपने देखा होगा, और कॉकरोच की बॉडी बहुत थोड़ी बाहर से हार्ड होती है, वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है। उस एक्सोस्केलेटन में भी क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन। तो दोनों जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? काइटिन से। और फंगाई का जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। और काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट पर फीड करते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा सोचिए, क्लू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इवन आंसर भी आपको स्लाइड में बता चुकी हूँ। चलिए, तो अब फोकस करते हैं जिस बात के बारे में मैं बात कर रही थी कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे हैं, दो स्ट्रक्चर मैंने मार्क किए हैं प्लांट सेल में, और दो ही स्ट्रक्चर मैं मार्क करूंगी एनिमल सेल में, जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। एक है लाइजोसोम और दूसरा होता है सेंट्रियोल। ये स्ट्रक्चर लाइजोसोम और सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है, और जो सेंट्रियोल और लाइजोसोम्स हैं वो प्लांट सेल में नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं है। तो ये प्रेजेंट है आपके, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको चार क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये जो दिया हुआ है, क्विकली हम रिवाइज करेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो यूजुअली प्लांट सेल जो होती हैं वो लार्जर होती हैं, एनिमल सेल स्मॉलर होती हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, इन एडिशन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मिडिल लेमिली प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा डेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सारा यहीं से समझ में आ जाएगा, ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरी प्लांट सेल है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? ये है प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक बैरियर बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो प्लाज्मा एडजेसेंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो इनके बीच में कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल के बीच में सर्टेन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को, इन कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा डेस्मेटा। अब एनिमल सेल में प्लाज्मा डेस्मेटा नहीं होंगे, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, अच्छा, महत्वपूर्ण पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में, और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। लाइजोसोम्स आर रेयर, यानी जनरली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। इसके अलावा भी कुछ बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है और परमानेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में वो स्मॉल और टेम्परेरी होता है। प्लांट सेल में क्योंकि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो वैक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। और ये किस में प्रेजेंट होगी? क्योंकि बड़े और परमानेंट वैक्यूल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होगी किस में? प्लांट सेल। अच्छा, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफ्री ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर पेरिफ्री यानी थोड़ा सा साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्विकली मैं जा रही हूँ इस डायग्राम पर, और फिर से आप रिवाइज करेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, यहाँ पर लिख रही हूँ, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ
फोर्थ डिफरेंस वैक्यूल, आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है किसमें, प्लांट सेल में। फिफ्थ डिफरेंस, सिक्स्थ डिफरेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस पूरा सेंटर पोजीशन पर है, जबकि यहाँ न्यूक्लियस कहाँ चला गया, एकदम किनारे पर चला गया, यहाँ पर लगभग बीच में है और यहाँ पर क्या आ गया, किनारे पर आ गया। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल। तो गौर से देख लिया, यदि आपने ये डायग्राम गौर से देख लिया तो आराम से आप सेल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में सेल से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस, एनसीक्यूज और कंटेंट के साथ में मैं फिर से आपके साथ में बात करूंगी, और तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, और सेल से संबंधित जितने भी आपके पास एनसीक्यूज क्वेश्चंस, यदि आपके पास कोई बुक है तो उसमें सॉल्व कीजिए। उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा उसका रिस्पॉन्स करूँगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस अकेडमी। कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।